देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ताला तोड़कर चोरी, लाखों का सामान उठा ले गए चोर, वहीं पुलिस के गश्त पर उठ रहे सवाल। खबर अमेठी जिले के ब्लॉक भादर स्थित थाना रामगंज के अंतर्गत ग्राम सभा त्रिशुंडी की है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल स्थित बैंक मित्र राजनारायण तिवारी उर्फ कुलदीप तिवारी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर किया हादसा। सुबह सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है, दुकान खुली पड़ी है। गांव के कुछ लोगों ने दुकानदार को फोन किया, वहीं दुकानदार आनंद फानंद में राजनारायण तिवारी मौके पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज रामगंज को फोन किया तो मौके पर चौकी से कोई पुलिसकर्मी नहीं आए, तो उसके बाद दुकानदार ने 112 नंबर पर फोन किया और मौके पर 112 नंबर पर कॉल करते ही कुछ देर बाद घटनास्थल पर पुलिस आई और दुकानदार राजनारायण तिवारी का बयान दर्ज किया। वहीं दुकानदार राजनारायण तिवारी ने बताया कि हमारी दुकान से दो लैपटॉप जिसकी कीमत 80,000, एक कूलर जिसकी कीमत 6,000, 3 जियो मोबाइल जिसकी कीमत 4,500, 2 नोकिया मोबाइल कीमत 3,000, 1 वीडियो कैमरा कीमत 75,000 व दुकान पर रखे 5,500 नकद पर चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं आपको बता दें कि चोरी की घटना को बहुत ही सूझबूझ से अंजाम दिया गया है। चोरों ने चोरी करने से पहले लाइट का कनेक्शन काट दिया और दुकान में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे का चिप निकाल लिया गया, जिससे घटना का खुलासा ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आपको बताते चले कि प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग त्रिशुंडी में बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित है, जहां पर रात में पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे बैंक के आसपास कोई घटना ना होने पाए। लेकिन पुलिसकर्मी की ड्यूटी होने के बाद भी बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल बैंक मित्र की दुकान पर चोरी हो जाती है। सवाल तो पुलिस प्रशासन के गश्त पर व ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों पर उतना लाजमी है। जब बैंक के बगल दुकान का ताला तोड़कर चोरी हो सकती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी चोरी हो सकती है। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम राज नारायण तिवारी है। ये आपके साथ क्या हादसा हुआ है दुकान उकान में? आज रात में मेरी दुकान का ताला तोड़कर तो मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए, 2 लाख का सामान चोर उठा ले गए। सामान में क्या क्या था? सामान में 2 लैपटॉप, 1 वीडियो कैमरा, 5 मोबाइल, 4 पेन ड्राइव और 5,500 रुपए कैश। आपने इसकी सूचना कहीं पे दी? जी, मैंने सबसे पहले चौकी इंचार्ज साहब को फोन किया तो बोले कि अभी आ रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने 112 पे कॉल किया, 112 वाले आके चेक करके गए। बस अभी तक इतनी कार्रवाई हुई है। आप बैंक के बगल हैं तो क्या आप बैंक मित्र भी हैं क्या? जी, बैंक मित्र भी हैं। कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। अब आप इसकी लिखित शिकायत करने के लिए कहीं जा रहे हैं? जी, अभी रामगंज थाने पे 10 बजे जाएंगे, अभी खुलेगा तो।